इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नीट के लिए एक अच्छा नोट्स तैयार करें। ठीक है, देखो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो नीट में, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपना सिक्योर करने के लिए, तो नोट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि जब लास्ट दो मंथ्स आपके बचे तो आप प्रॉपर उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको और जितने भी चीज पूरे साल पढ़े हुए हैं वो आपको लास्ट में याद रहें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा नोट्स बनाओ। इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे एक अच्छा नोट्स तैयार करेंगे, हम दोनों को देखेंगे एक एक करके। देखो इस वीडियो में हम अपना नोट्स शेयर करेंगे फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का, ताकि एक आपको आइडिया लग सके कि आप एक अच्छा नोट्स कैसे तैयार करें। ठीक है, मेन पर्पस वीडियो का ये है, आप इसको देख के इसको एज ए रेफरेंस यूज करके एक अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखो तो जैसे ये फिजिकल केमिस्ट्री का मेरा नोट्स है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में जितने भी चैप्टर्स है उसको मैंने एक चेकलिस्ट तैयार कर लिया था कि जितने भी चैप्टर है क्लास 11th और 12th के और एनसीईआरटी, जितने भी जो चीज हमको करनी है हर चैप्टर में, एनसीईआरटी मैप्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन पैकेज के, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे चेकलिस्ट के फॉर्म में लिख लिया था, और ताकि पता रहे कि हाँ मेरा कितना सिलेबस हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करके इसको आप नोट कर लेना अपने भी नोट्स के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। देखो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने क्या कहता है कि हर एक चैप्टर का, तो ये तो इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक बस ये केमिकल बॉन्डिंग ही है जिसको आपको नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा। देखो तो ये जो A4 साइज मैंने पेपर लिया था, आप जैसे ही बनाओ, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ अपना रेफरेंस के लिए कि तीन उसमें कॉलम तैयार करके और जितने भी पॉइंट्स थे, देखो ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे नोट कर लिए थे, और जो भी टीचर के नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो भी मैंने एक्स्ट्रा मिला था जो भी हमको, वो सब कुछ यहाँ पे नोटेड है। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, जब भी आप रिवाइज करोगे तो सारे चीजें आपको एक जगह रहनी चाहिए, जैसे जो भी आपके टीचर ने बताया है या आपको एनसीईआरटी में जो भी चीजें मिले हुई हैं या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट मिल गया और या आपके टेस्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पूछ दिया, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे शेप्स पूछ दे, लोन पेयर पूछ दे या ज्योमेट्री पूछ दे, तो आप बता सकते हो अगर आपको ये टेबल आता है तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से बस आपको समझ में आना चाहिए, लिखे होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सब कुछ ऐसे, और देखो जो भी हमको लास्ट में एक्स्ट्रा पॉइंट मिला था मैंने यहाँ पे, ये फाइल का बस फायदा यही है कि आपको जहां भी चाहो आप वहां पे कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे कहा था, जैसे ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है तो जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, ये एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वैन डेर वाल्स फोर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन कितने होते हैं, ये सब कुछ जितने भी ग्राफ है, जितने भी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा होगा कि जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लिए, फिर जो भी मुझे बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट मिला सरफेस टेंशन के, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, मैंने उसको भी लिख लिया, और यहाँ पे सरसन यून क्वेश्चन को एनसीईआरटी में जो मिला मैंने उसको भी ऐड कर लिया। तो जो भी चीजें हैं आपको एक, अगर फिजिक्स के अंदर और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप उसको एक जगह नोट करते हो तो आपको लास्ट में बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि लास्ट मंथ में आपको हर रोज मॉक टेस्ट देना पड़ता है और फिर आपको जल्दी जल्दी रिविजन भी करना होता है जितने भी आपने पूरे साल में पढ़ा हुआ है, और जैसे क्लास में कुछ टीचर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, उसको अच्छे से नोट कर लिया, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आप भी क्या करो कि ऐसे देखो ये कोचिंग के पैकेज का है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया था ताकि जब भी मैं अपना रिवाइज करूँ तो ये भी मेरा प्रॉपर रिविजन हो जाए इसका। तो ऐसे आप नोट्स बनाओ, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो तो उसको एक जगह बस इकट्ठा से नोट कर लो। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा अच्छे से प्रॉपर। देखो जैसे ये है केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें कि पूछता है कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ केसी, तो मैंने उसको एक जगह लिख रखा था, तो जब भी मैं रिवाइज करूंगा तो सारे क्वेश्चन ही हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बस मैंने क्वेश्चन लिख लिया था कि देखो यही मेरा शॉर्ट नोट्स भी था और यही मेरा मेन नोट भी था। तो हमको कुछ नहीं करना था, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में रिवाइज कर रहा हूं तो टोटल मैं यहां से यहां तक रिविजन करता था पूरे 24 घंटे, मतलब एक दिन के अंदर मेरा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री लास्ट मंथ में रिविजन हो जाता था। इससे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ यहाँ पे एक ही जगह आप नोट कर लो। तो फिजिक्स के अंदर और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही हेल्प करेगा। बायो के अंदर मैंने पूरा एनसीईआरटी से ही ऐड किया हुआ है, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी प्रॉपर एनसीईआरटी से ही, लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के आप ऐसे नोट्स बना लो बहुत, जैसे देखो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का कुछ हो गया, तो जितने भी उसमें टेबलर फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में जितने भी अच्छे अच्छे जैसे यहाँ पे प्रॉपर हर चीज डिटेल के साथ, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजों को हमेशा भूलते हैं उसको हाईलाइट कर लेते थे कि जब दोबारा मैं पढ़ूं, देखते हैं देखो बस पीके भी मैं यहाँ पे भूलता था तो बस उसको ऐड हाईलाइट कर लिया ताकि जब भी मैं रिविजन करूं तो इसको मैं ध्यान से देखूं कि हाँ मैं इसको भूलता हूं। ठीक है, तो आप ऐसे भी नोट्स तैयार कर सकते हो जो कि बहुत ही हेल्प होगा आपको, मतलब फिजिक्स के अंदर और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो अब हम फिजिक्स का देखते हैं। देखो फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो पहले उसको बॉक्स में घेर लो। जैसे ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है, तो जो भी मेरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको मैंने प्रॉपर बॉक्स में घिरा हुआ है। इससे आप जब भी
नोट्स देखोगे तो उसको आप अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे, ठीक है। और जितनी हो सके फीस के अंदर आप डायग्राम्स ऐड करो, क्योंकि जब आप डायग्राम्स नोट्स के अंदर अपना देखते हो तो आपके माइंड में वो स्टोर हो जाता है और आप उसको लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज कर पाओगे। तो देखो मैंने जो भी जितनी पॉसिबल है डायग्राम्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप जितनी हो सकते हैं आप डायग्राम्स ऐड कर लो। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का है तो जितने भी क्वेश्चन है बायोलॉजी के ऊपर मैंने पूरे डायग्राम्स ही नोट किए हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चन है आप जब भी उसको सॉल्व करो तो आप कोशिश करो उसको डायग्राम्स में करने के लिए, तो जल्दी हो जाएगा और कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने हर चीज यहाँ पे प्रॉपर देखो जितनी हो सकती है अच्छे से नोट किया हुआ है, और डायग्राम्स तो बनाओ ही बनाओ, कोई भी क्वेश्चन हो तो डायग्राम्स बनाओ, उसे आपको बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने भी जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, जो भी हमको एनसीईआरटी मिला या एनसीईआरटी मैप्स के अंदर मिला या पीआईक्यू के अंदर मिला, अगर मैं भूल रहा हूं तो उसको प्रॉपर हाईलाइट कर लूंगा, ठीक है। और उसको बार बार जब भी रिवाइज करूं तो जितने भी पहले थ्योरेटिकल फॉर्मूले हैं उसको जरूर ही देखूंगा। देखो जैसे ये है लेमिनर और टर्बुलेंट, तो ये लेमिनर टर्बुलेंट बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो मैंने जब उसको डायग्राम्स के फॉर्म में लिख लिया कि हाँ लेमिनर जो होता है ये लेयर बाय लेयर होता है और टर्बुलेंट जो है ऐसे बिखरा हुआ, तो आप इसको नहीं भूल पाओगे। तो आप कोशिश करो डायग्राम्स जितना ऐड कर सकते ऐड कर लो, और हर चीज को फॉर्मूला को सर्कल करके बॉक्स में ऐड कर लो, ठीक है। तो मैंने हर चीज को यहाँ पे जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर है तो उसको हर चीज ऐसे नोट किया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जितने भी क्वेश्चन है उसको शॉर्ट टर्म में लिख के, ठीक है। तो अभी आप फिजिक्स का भी अपने नोट्स ऐसे बना सकते हो, बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है। सो देखो और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट थे, देखो ये जो है कन्वेंशन के ऊपर, तो ये इसके में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, जो भी क्वेश्चन आता है इसे बस थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैंने ये जितने भी पॉइंट्स थे यहाँ पे ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे जो भी मिला मैंने इसको ऊपर से ऐड कर लिया। तो आप ऐसे बना सकते हो, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और नोट्स को कोशिश करना खुद का बनाने के लिए, इसको आप एज ए रेफरेंस की तरह यूज कर लो, और टाइम वेस्ट मत करना ज्यादा नोट्स बनाने में, मतलब जितना आप फास्ट लिख सकते हो लिख लो और प्रॉपर नोट्स बना लो। और इस सबको मैं पीडीएफ के टर्म्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, वहां से देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।